कश्मीरी बोलते हैं कौन सा कप चाय। तो गाइस ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, काफी वीआईपी स्टाइल में किया जा रहा है। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं आज फिर से हम भद्रवाह में हैं और आज हम जा रहे हैं गुली डंडा से पीछे एक सरखंगल नाम की जगह है, शायद मुझे नाम पता नहीं, वहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है वो, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। गाड़ी आज हम पंच लेके नहीं जा रहे हैं, आज हम लेके जा रहे हैं अल्टो। ये देखिए गाड़ी हमारे पीछे है, तो आज हम ये गाड़ी लेके जा रहे हैं अपनी अल्टो। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है ऑफ रोडिंग पे। वैसे तो हमने हाईवे पे अच्छा निकाला इसको मतलब, तो अब देखते हैं ऑफ रोडिंग का क्या हाल रहता है। तो चलिए फिलहाल करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। हमारे साथ हैं दो कपल, हम हैं एज ए ड्राइवर ही समझ लीजिए। तो चलिए जैसे भी रहता है दिखाते हैं आपको आगे, बहुत खूबसूरत जगह है, तो जैसे भी रहेगा दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नाला है ये, तो यहाँ आप इजीली नहा सकते हो, कोई ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। बट कभी कभी पानी बढ़ जाता है तो उस वजह से हो सकता है रिस्क। तो नाला काफ़ी खूबसूरत है, आप यहाँ आके नहा सकते हो। जगह का नाम है नालठी, मैं फिर कहूँगा भद्रवाह में अगर आते हो तो नालठी, किसी को पूछना वो आपको पहुँचा देगा। तो गाइस ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, काफ़ी वीआईपी स्टाइल में किया जा रहा है। ये हमारे कुलवंत भाई काफ़ी परेशान हैं, और ये इस साइड बाबी नंबर एक, बाबी नंबर दो। गाइस हम आप एक बार आपको पूरा दृश्य दिखाना चाहेंगे, ये देखिए। देखिए अगर यहाँ पर आप लोग कभी भी आए तो कम से कम 4 दिन का टूर बना के आए, और ये मेरा पर्सनल वो है एक्सपीरियंस है नीरज भाई के साथ, आता रहता हूँ मैं अक्सर, लेकिन ये पहली बार मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ब्लॉग हमने पहली बार बनाया और जरूर आप खुश होंगे इस ब्लॉग को देखकर। तो चलिए गाइस सफ़र की शुरुआत करते हैं, बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहने वाला है क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ वहाँ पे। तो यार क्या बताऊँ, सच बताऊँ ऐसे लगता है यहीं पे झेलूँ ज़िंदगी, क्योंकि इस टाइप की है जगह पर जंगल है, नहीं रह सकते आप। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स को, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे देख के चले जाते हैं। तो चलिए कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो देखिए मजा लीजिए आप भी हमारे साथ सफर का। तो फिलहाल शुरुआत देखिए किन सुनहरे फूलों से हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये भी, तो यही हम दिखाना चाहते हैं आपको और हम भी देखना चाहते हैं। तो दरअसल ये सब आपके लिए है, तो आपको हमारा ख्याल रखना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपको जैसे कि पता है हम ऑफ रोडिंग करना कितना अच्छा लगता है हमें, और हम ऑफ रोडिंग के बिना नहीं रह सकते। तो हम ज़रूर आल्टो की ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं इस वीडियो में कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे पता है सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। तो चलिए आप मज़ा लीजिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है सफ़र करने का। तो चलिए आप मज़ा लीजिए सफ़र का, मिलते हैं आपके आगे। तो गाइस अगर आपको ये दिखे रास्ते में तो आप इनको खा सकते हैं आराम से, मैं आपको दिखाता हूँ और लगी हुई है। ये देखिए ये है वो स्ट्रॉबेरीज। तो गाइस देखिए दरियाल जन्नत, और हम कितनी ऊंचाई पे हैं अभी। ये देखिए राहुल जी काफी चश्मा वश्मा लगा के और ये जैकेट पहन चुके हैं, ठंड आप महसूस कर सकते हैं, सामने बर्फ है पहाड़ पे। देखो इधर कितनी ठंड लग रही है कि मेरे को जैकेट लगाना पड़ रहा है, स्वेटर लगाई हुई है। गाइस इधर जरूर आओ देखो, बहुत जबरदस्त। ये देखिए हम बादल के ऊपर आ चुके हैं अभी, और ये गाने वाने लगे हैं उस गाड़ी में। तो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, सच बताऊं तो मैं पहले आया था उस दिन धूप थी और आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्या जबरदस्त जगह है। Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.
गाइस ये देखिए कितनी धुंध है यहाँ पे और रश देखिए भरपूर, आपको भी आना चाहिए। हमारी गाड़ी की लाइट जल रही है तो ये बहुत अच्छी बात करी हमने। ये देखिए साइड, ये हमारे साथी, इसके आगे जाना है हमने ये। और फिलहाल आप रश देखिए बहुत ज़्यादा है और आगे धुंध है और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा तो ये टपरे यहाँ पर आपको रास्ते में बहुत मिलेंगे। क्या है सिस्टम, कश्मीरी बोलते हैं? कौन सा चाय? ये एसी वेंटिलेटर लगा हुआ है। चार बना दो। ये वीडियो बना, ठंड नहीं है थोड़ी बहुत है, हमारे राहुल जी ने जैकेट लगा दिया है। गाइस पहाड़ों में हम पी रहे हैं चाय जो कि काफ़ी टेस्टी है, देसी दूध की बनी हुई है। ये हमारे पीछे कुलवंत भाई और ये एक कपल का जोड़ा बैठा है पीछे, जैसे कि आप देख रहे हैं, उनको साइड में रख के हम चाय पीते हैं। काफ़ी इंजॉयमेंट वाली चाय होती है ये, क्योंकि हम अपने साथ कुछ सामान लाए नहीं है। वाह, और ऊपर से ठंड है थोड़ी थोड़ी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम हाफ स्लीव्स पहन के जा रहे हैं, तो चलिए, ठंड है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं है, तो जैकेट हम लाए नहीं, एक लाए थे वो राहुल पहन चुके हैं। तो चलिए मिल चलते हैं आगे, फिलहाल यहाँ चाय पी रहे हैं, आगे उम्मीद है और मिले। तो चलिए आप अपने घरों में रहिए, नहीं तो यहाँ पे आइए। तो गाइस अभी हैं हम गुली डंडा पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। कश्मीर भी फेल है इसके आगे, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा है आपके आंखों के सामने सब कुछ। तो चलिए मज़ा लीजिए आप देखने का और हम भी मज़ा लेते हैं। तो गाइस चलते हैं अब आगे, क्योंकि आगे भी बहुत खूबसूरत सी जगह है। फिलहाल ये बर्फ़ दिखी हमें रास्ते में, तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितनी ठंड पड़ती होगी और बर्फ़ में कितनी बर्फ़ पड़ती होगी, क्योंकि ये हाल है यहाँ पे जून में। तो आगे जो जगह है उसका नाम है छत्रकला, तो यहाँ से थोड़ी सी कच्ची रोड है आगे तक, अभी लुक नहीं लगी है, जब हम पिछली बार आए थे तब भी ये इससे ज़्यादा ख़राब थी। तो चलिए चलते हैं छत्रकला, उसके आगे देखते हैं मूड बनता है तो कहाँ तक जाते हैं। फिलहाल धुंध बहुत ज़्यादा है रास्ते में, तो जिस साइड भी हम देख रहे हैं उस साइड हमें खूबसूरती खूबसूरती नज़र आ रही है, क्योंकि यार मैं रोक नहीं पा रहा आपको बताने में कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। इस जगह का नाम है गुली डंडा कह के आप आ सकते हो। तो हम अभी जा रहे हैं छत्रकला, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी आगे है, तो वो भी एक टॉप पॉइंट है, वहाँ पर आपको मंदिर दिखेगा। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ तक, फिलहाल सामने देखिए कितनी खूबसूरत सी जगह दिख रही है। तो गाइस हमने सोचा कुछ आल्टो के साथ सिनेमैटिक शॉट्स लिए जाएं, क्योंकि आल्टो को कैसे छोड़ सकते हैं हम ऑफ रोडिंग के बिना, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। तो आगे जाके और ऑफ रोडिंग होने वाली है, तो तब तक आप सिनेमैटिक शॉट्स का मजा लीजिए और हमें कर दीजिए सब्सक्राइब। लेकिन वो माने नहीं, सिर्फ काफी देर के बाद वो माने, काफी पैर पकड़ के गाड़ी में बिठाया, उनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे इस टाइम।
वो अपनी वीडियो देख के खुद ही ये देखिए सर, रश यहाँ पे काफी रश है इस साल। तो गाइस अभी खड़े हम छत्रगला, ये देखिए यहाँ पर मंदिर है ऊपर, दिखाता हूँ आपको। फिलहाल आप ये देखिए क्या मजेदार सीन है, और ये ऊपर मंदिर है, आप जब भी यहाँ आए तो दर्शन करके जरूर जाएं। तो चलिए ये यहाँ से जाती है, यहाँ से रास्ता कैलाश कुंड का, ये यहीं से शुरू होता है छत्रगला से। तो चलिए गाइस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, हमें करनी पड़ेगी खत्म यहाँ पे। तो बाकी इसके आगे का सफर दिखाते हैं आपको एपिसोड 2 में, जो कि कल आएगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो का मजा लीजिए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।